राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी मध्य प्रदेश। हेलो, हमारे सवाल हैं सर से। वो कैमरा चालू करते हैं, क्लियर नहीं आ रहा थोड़ा, कैमरा चालू फोटो सही आ रहा है। ठीक है ठीक है, तुम गाओ साथ में। चलो हम करते हुए हमारे समाज में सभी महापुरुष को सभी लोग मोबाइल बना रहे हो, आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री भगवती प्रसाद सागर जी, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश वर्तमान विधायक और विधानसभा उत्तर प्रदेश मंचा सिंह, सभी हमारे गणमान्य लोग सामने विराजमान माताएं पहने हमारे नौजवान साथी साथियों, थोड़ा मेरा दिमाग सही जगह पर नहीं है। मेरे घर में एक घटना हुई है 17 तारीख को, उसको मैं भुला नहीं पाया हूँ अभी तक। इसलिए न ज्यादा न कुछ कहते हुए मैं बस इतनी ही बात कहूँगा, इस समाज में हमने लोगों के गंदे कपड़े धोए थे, इसी तरह से हमारे समाज में जो गंदगी है उस गंदगी को हमें दूर करना है, अपने संगठन को आगे बढ़ाना है। माननीय भगवती प्रसाद सागर को हाथ मजबूत करना है, पूरे भारत की बात लेकर के रजक समाज की भगवती प्रसाद सागर आए थे। उन्होंने पूरे भारत में भ्रमण किया था और मैं समझता हूँ मेरे संज्ञान में मध्य प्रदेश की धरती पर फूलबाग मैदान ग्वालियर में पहला कार्यक्रम होगा जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ उस मैदान में सभा का आयोजन करती। उस मैदान में हमारे समाज ने ऐसा प्रोग्राम करके दिखा दिया और बता दिया कि हम यहाँ मध्य प्रदेश में रजक समाज के लोग मौजूद हैं और राजनीतिक भागीदारी रखते हैं। वो हमें दरकिनार करते रहे लेकिन हम एक बार फिर माननीय मंत्री जी से अनुरोध करेंगे कि इस मांग को यहाँ पर ना रखा जाए। 2018 में एमपी में चुनाव है विधानसभा, उसमें हमारा मत है, ये मत है कि प्रत्येक विधानसभा में 51 जिले हैं मध्य प्रदेश में, हमारे प्रत्येक विधानसभा में समाज है, उस समाज को अगर ये अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं देते हैं तो हमारा समाज उस पार्टी या कोई संगठन उसका विरोध करेगा और प्रत्येक विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम करेगा। ताकि ये पता रहे कि हम यहाँ मौजूद हैं। साथियों, अपने बारे में एक मिनट मैं बोलूँगा, 2003 में मैंने नरेंद्र तोमर साहब के साथ विधानसभा का चुनाव लड़ा है। दूसरा, आज एमपी में वर्चस्व रखने वाले नरोत्तम मिश्रा 2008 में मैंने वहाँ उनके टक्कर में चुनाव लड़ा और उनको ये बता दिया हमारे लोग करते थे, भाई साहब क्या कर दिया हमारे तो दुकानें भी नहीं है। मैंने कहा जो भी कुछ हो लेकिन हम संघर्ष करेंगे, अपने समाज को अंशदारी का दर्जा दिलाने के लिए हमें विरोध करना चाहिए और मांग रखना चाहिए, संगठित होना चाहिए
और मैं अपनी बात यही समापन करूंगा। जब मैं घर से चला था, मेरे दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ हड्डियां थी तो एक तरफ समदार थे। यूं ही चलते चलते एक पैर हड्डी से टकराया तो हड्डी के ये जान थे, ए चलने वाले मुसाफिर जरा देख के चल, हड्डी तो कभी